हेलो एवरीवन, इस वीडियो में निबंध के बारे में बात करूंगा, ऐसे के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो इसमें यहां पर मैं आपको 15 ऐसे देने वाला हूं, इनको लिख लीजिएगा। ये ऐसे इसमें से आपको हफ्ते में 2 ऐसे लिखना है, कम से कम एक ऐसे तो लिखना ही लिखना है। अगर आप बहुत वीक हैं, आपका सिलेबस अभी बिल्कुल तैयार नहीं हुआ है, आप चीज़ों के बीच में एक सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपको पढ़ने का समय नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप हिंदी के टारगेट भी कर रहे हो, जीएस के भी कर रहे हो घटना चक्र वगैरह से, और आपको समय नहीं मिल पाता है, तो फिर आप एक ऐसे लिखिए हफ्ते में। इससे कम काम नहीं चलेगा, आप पीछे रह जाओगे, बहुत ही साफ बात बता रहा हूँ। लेकिन जो लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहे हैं, जिनके पास फुल टाइम प्रिपरेशन करने का टाइम है, या जो 6 घंटे 7 घंटे पुश कर सकते हैं खुद को, या जिनका ये है कि उनको इसी साल क्लियर करना है, इसी बारी जो ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसको उन्हें लेकर ही रहना है, तो वो फिर एक हफ्ते में 2 ऐसे भी लिखेंगे। बता देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है साहित्य और संस्कृति का एक दूसरे के साथ संबंध, यानी कि लिटरेचर और कल्चर, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इसके ऊपर आपको ऐसे लिखना है। दूसरा है बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, यानी कि जो शिक्षा है उसका क्या रोल होता है बेरोजगारी को खत्म करने में, एलिमिनेट करने में। तीसरा है कि राष्ट्र निर्माण में नारी की भूमिका, यानी कि जो विमेन है उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या रोल है उनका नेशन बिल्डिंग में। चौथा है नारी सशक्तिकरण, दशा और दिशा, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बेसिकली है कि क्या उनका हाल है इस समय और क्या डायरेक्शन में किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। पांचवा है भारत में आतंकवाद की समस्या और समाधान, यानी कि इंडिया के अंदर टेररिज्म की जो प्रॉब्लम है वो क्या है एक्चुअल में, कितनी तरह की है, एंड उसका सोल्यूशन क्या है, क्या फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद में है कि अंधविश्वास, रूढ़ी और परंपरा, ये समाज की जो गतिशीलता है, यानी कि जो डायनेमिक चीज़ें होती हैं उसमें किस तरह से ये बाधक बनती हैं। सातवां है कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्याएं, यानी कि जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, एमए कर लिया, बीए कर लिया, देन उसके बाद भी अगर ढंग की जॉब नहीं मिल पा रही है एंड देन वो खाली बैठे हुए, तो ये जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, ये आपको बताना है। इसके बाद है लोकतंत्र, चुनाव और जाति, लोकतंत्र, चुनाव और जाति, यानी कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड कास्ट, यानी कि आपने देखा होगा जब इलेक्शन वगैरह आने होते हैं या जैसे अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो कास्ट वगैरह का कार्ड प्ले होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर एरियाज में अपनी अपनी जाति के, या यू नो डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को दिया जाता है टिकट वगैरह, और ये बहुत मतलब बहुत नॉर्मल है, बहुत ऑब्वियस चीज़ है, आपको पता है, तो इन्हीं का आपको इन्हीं के ऊपर आपको ऐसे लिखना है। उसके बाद में है 9वें नंबर पर कि वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव, यानी कि करंट में इस समय जो पॉलिटिक्स का पर्सपेक्टिव आप देख पा रहे हो इंडिया के अंदर, उसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होने वाला है और पहले किस तरह से चीज़ें रही हैं। जलवायु परिवर्तन के संभावित परिणाम, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लगातार आप देख रहे हो कि टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है, आप देख रहे हो कि टाइम बाई टाइम बरसात होती है, सर्दी बहुत ही अनियमित हो गई है, सो ये जो चीज़ें हैं, ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसके संभावित परिणाम आगे आने वाले 10-15-20 सालों में क्या होने वाले हैं, क्या प्रोबेबल चीज़ें होने वाली हैं। उसके बाद में है कि जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, यानी कि अगर लोगों को हमें अवेयर करना है तो उसमें सोशल मीडिया का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या रोल हो सकता है, क्या केवल फेसबुक या इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए, या केवल ऐसे अपनी फोटो डालने के लिए है, या फिर उसके थ्रू और भी कई चीज़ें को लेकर के आप अवेयर कर सकते हो लोगों को। डिजिटल अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां, यानी कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं। इसके बाद में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भूमिका, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या रोल है इंडियन इकॉनमी में। इसके बाद में है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, यानी कि जो इंडियन इकॉनमी है इसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है। वर्तमान में भारत की विदेश नीति, दशा और दिशा, यानी कि अगर करंट में इस समय हाल में अगर आप देखोगे तो इसमें इंडिया की जो विदेश नीति है वो क्या है, और क्या क्या आगे की 10-15 सालों में क्या किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, और पिछले 5 सालों में किस तरह से चीज़ें बदली हैं। तो ये कुछ 15 ऐसे हैं, इनके ऊपर आपको लिखना है। फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, और जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई है वो आपको करना ही करना है अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर से लीड बनानी है। तो मुझे अच्छा लगा कि जब मैंने इस चीज़ को कल बताया था कि बहुत लोगों ने टारगेट्स को पूरा किया है, आप कर रहे हैं या नहीं, तो काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर आगे आए और उन्होंने कमेंट्स में शेयर करना शुरू किया एंड वो भी अब कर रहे हैं। तो ये सही तरीका है, प्रोसेस को अगर करना शुरू कर दोगे ना फॉलो, तो आपके सफलता के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ सपने देखने से या कोई एक वीडियो देखने से, किसी का कि उसने ऐसा किया था उससे नहीं सिलेक्शन होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। उसके पीठ पीछे की भाई तुम एक बात समझो, कोई व्यक्ति 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से लगा हुआ था, उसने किसी टॉपर ने अपना कोई इंटरव्यू दिया, अब उसने 20 मिनट में कोई बात बताई, अब आप सोच के देखो जो उस व्यक्ति ने संघर्ष किया, जो चीज़ें सीखी, जो उसने फेल्योर देखी, जो भी चीज़ें उसके संग अच्छी बुरी हुई, वो व्यक्ति 15 से 20 मिनट में, इवन 15-20 मिनट या 1 घंटे में भी अपने उस पूरे टाइम पीरियड को नहीं क्लियर कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति चाहता नहीं है, वो दिल से चाहता है कि ऐसा कर सके, लेकिन टाइम का बाउंडेशन है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट आंख बंद करके किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है, आपको थोड़ा सा उसको दिमाग खोल करके चीज़ों को परखना है। सो इसलिए हर इंसान अपनी तरफ से यही बेहतर प्रयास करता है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ बताई जाए, सिखाई जाए, लेकिन ये आपको भी देखना पड़ेगा कि 1 घंटे में आधे घंटे में कई बार चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो आपको उसमें खुद थोड़ा सा R&D करनी है, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना है। मान लीजिए किसी ने आपको बताया कि इसमें NCERT पढ़नी थी ऐसे ऐसे, तो NCERT में देखिए कि NCERT में कितनी चीज़ें पढ़ने लायक हैं, क्या सारी NCERT सारे सब्जेक्ट की 6 से 12 तक पढ़ने लायक है, या कुछ NCERT कुछ पर्टिकुलर क्लास की पढ़ने लायक है। तो ये होता है, अपनी तरफ से सब यही प्रयास करेंगे कि आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात बताई जाए। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। तो ये ऐसे हैं, इनको लिखना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।